प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वितरण होने वाली दाल को लेकर हुई बैठक। जरूरतमंदों में 3 महीने की दाल की जाएगी वितरित। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच राजस्थान में लॉकडाउन जारी है और यह लॉकडाउन 30 अप्रैल तक जा सकता है। हालांकि सभी राज्य इसको लेकर तैयार है, परंतु अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा लोगों तक मदद और राशन पहुंचाने का कार्य जारी है। इसी के तहत आज रसद विभाग की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो 3 महीने की दाल का वितरण होना है उसको लेकर बैठक आयोजित की गई और इसका वितरण किस प्रकार होना है उस पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत आज बैठक की गई है और इस योजना के तहत अप्रैल मई जून 3 माह की 1-1 किलो की दाल एक साथ वितरण की जानी है और इसमें जो NFSM लाभार्थी है उन्हीं को ये दाल दी जाएगी। उसी के बारे में एक प्लान बनाया जा रहा है कि हमारे जो भी KVSS और NCS हैं इनकी बैठक की गई है और उसमें ये प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे इसका उठाव होगा और कैसे वितरण किया जाएगा ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी परेशानी नहीं हो और समय पर इसका वितरण हो सके। इसके बारे में हमने कई बार मीडिया के मार्फत अपील की है कि इसमें जो NFSA के लाभार्थी उन्हीं को गेहूँ मिलेगा और उन्हीं को दाल मिलेगी। APL ये अनावश्यक जा रहे हैं जबकि उनके जो NFSA में जुड़े हैं वही इसके लाभार्थी हैं, उन्हीं को मिलेगा। सर क्या मानते हो कि रखने की व्यवस्था वगैरह? हमारे पास पर्याप्त भंडार है गेहूँ का, इससे बहुत कई गुना स्टॉक रहता है हमारे पास में, उसका रखरखाव हम कर लेते हैं। इतमाद 4,000 क्विंटल का है, हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।